केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। दुनिया भर की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि कोरोना काल के बाद यह पहला बजट है जब भारत अपने विकास की बात करेगा। बिहार की इंडस्ट्री एसोसिएशन भी बजट को बहुत ही बारीकी से देख और सुन रही है। बिहार के संदर्भ में बजट कैसा है, इस बात की भी समीक्षा चल रही है। यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं? इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। ठीक।